उज्जैन पहुंचे सहकारी मंत्री का शहर में कई जगह सम्मान किया गया। प्रदेश के सहकारिता संसदीय कार्य एवं सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक लेने पहुंचे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मंत्री ने भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए। मंत्री ने भाजपा द्वारा सहकारी खजाने को लुटाने का आरोप लगाते हुए मोहम्मद गजनवी से तुलना की है। वहीं आगामी दिनों में 8 लाख किसानों का कर्ज माफ करने का निर्णय लिया है। देश के सहकारिता संसदीय कार्य एवं सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह सहकारिता विभाग के जिला कार्यालय पर प्रशासक द्वारा सम्मान किया गया। यहां मंत्री ने भाजपा सरकार को लुटेरी सरकार बताया व सरकारी खजाने को खाली करने वाली सरकार बताया। वहीं तारीफ करते हुए विपरीत परिस्थितियों में सत्ता चलाना बताई और एक साल में कई वादों को पूरा करने का दावा भी किया। मंत्री ने कहा कि भाजपा ने पुराना खजाना खाली कर रखा था। 1,87,00,000,000 का कर्जा करके भाजपा गई थी, जिनके कई बिलों का भुगतान आज कांग्रेस की सरकार कर रही है। कमलनाथ जी का सोच आप समय कम है, विपरीत परिस्थितियों ने प्रदेश का कारोबार संभाला है। आप जब कमलनाथ जी ने इस पर सरकार संभाली 1,87,000,000,000 का कर्जा, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 वर्ष सरकार रही, उन्होंने जैसे 13,000 करोड़ रुपए के काम करा लिए, डेवलपमेंट विकास करा लिए, स्कूल बना लिए, सड़कें बना ली और निर्माण एजेंसी ठेकेदारों का पैसा नहीं गया। 13,000 करोड़ का कर्जा बिजली के लिए कोयला खरीदा, करीब 18,000 करोड़ रुपए उसका कोयले का जो उसका खरीदे उसका कर्जा छोड़ रहे, मतलब खजाना पूरा साफ खजाना इस तरह से लूटा है, विभाग को लूटा। आप सब उस गवाह है, प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता इस बात की गवाह है। मंत्री ने कहा मोहम्मद गजनवी भी हिंदुस्तान को लूटने आया था और सोमनाथ मंदिर को लूटा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग मोहम्मद गजनवी के ग्रैंडफादर निकले। भाजपा के लोगों ने प्रदेश के सरकारी खजाने में कुछ बचने ही नहीं दिया, पूरी तरह से खजाने को खाली कर दिया। इसी कारण 10 दिन में कर्जा माफ किया जाना था, लेकिन सरकार नहीं कर पाई। सहकारिता मंत्री ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये संप्रदाय के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर कभी राम के नाम पर सत्ता में काबिज होते हैं, यह लोग जनता का काम नहीं कर पाते हैं। परंतु कुछ हमारे साथियों ने अभी इस महीने जनवरी में उन्होंने तय किया था, निर्देश दिया था मुख्यमंत्री जी ने कि किसान भाइयों का 50,000 से 1,00,000 रुपए तक का कर्जा जनवरी माह में ही किसानों के खाते में पहुंचना चाहिए, परंतु कुछ हमारे साथियों की कमी के कारण ये स्थिति नहीं हो पाई। अब इसको शीघ्रवाही अभियान के तहत 7.5 और करीब 8 लाख किसान हो गए जो इसी फरवरी के महीने में उनको उनके खातों में पैसा पहुंच गया और उसके बाद नया बजट जब आएगा मई से जून से जब पैसा आ जाएगा तो 1,00,000 से लेकर 2,00,000 तक का जो वादा है उसको ही पूरा किया जाए। आपने वादा किया था उसमें कोई नहीं, मुख्यमंत्री जी ने जो वचन पत्र है हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हम लोगों ने उनके बनाया है उस वचन पत्र का एक एक का पालन किया जाएगा। मंत्री ने किसानों के कर्ज माफी से राहत देते हुए कहा कि अभी तक 3.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया जा चुका है। 7 से 8 लाख किसान अभी भी बाकी हैं, जिनका 1 फरवरी तक 5 लाख से 10 लाख तक का कर्ज माफ किया जाना है। कर्ज माफी को लेकर ही कुछ साथियों की कमी रही है। नए बजट आने के बाद मई जून में 10 से 20 लाख किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा जो चुनाव के पूर्व वचन पत्र में वचन दिया गया था उसे एक एक कर पूरा किया जाएगा। लेकिन थोड़ा रहन कर गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो के लोग मोहम्मद गजनवी के ग्रैंड फादर है, इन्होंने तो कोई बचने नहीं दिया, पूरी तरह से सभा चक करके गए, कुछ नहीं बचने दिया, इतना कर्जा लाभ दिया। लेकिन माननीय हमारे नेता राहुल गांधी ने वादा किया था किसान भाइयों के साथ क्या उनका कर्जा माफ करेंगे 10 दिन, हम नहीं कर पाए। जो मानव नेता कहते हैं कि ये ग्रैंड फादर है मोहम्मद गजनवी के बीजेपी वाले के छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन विपरीत पक्षियों ने भी
अभी तक केवल 20 लाख किसानों का कर्जा माफ हो चुका था। सुनने वाले भी आए हैं, आगे बात होगा। राम के नाम पर, कभी शाम प्रताप के नाम पर, कभी राम के नाम पर, कभी गो माता के नाम पर, अलग अलग आंदोलन चला गए। सरकार का भी जनता का काम नहीं कर पाते।